दोस्तों तारीख थी 30, महीना था नवंबर और साल था 1858, यानी आज से ठीक 165 साल पहले की बात है। अवध के थानेदार शीतल दुबे को बाबरी मस्जिद के एक अधिकारी से शिकायत मिलती है कि 25 निरंकारी सिख जबरन मस्जिद में घुस गए। न सिर्फ वो मस्जिद में दाखिल हो गए हैं बल्कि वो वहां हवन पाठ भी कर रहे हैं, और तो और उन्होंने मस्जिद की दीवारों पर राम का नाम भी लिख दिया है। दोस्तों मस्जिद में घुसकर हवन करने वाले उन निहंग सिख का नाम था बाबा फकीर सिंह खालसा। राम जन्मभूमि की लड़ाई में लगे लगभग हर एक इंसान का यह मानना है कि अगर 165 सालों की कानूनी लड़ाई के बाद आज ये मंदिर बन पा रहा है तो उसमें एक अहम योगदान बाबा फकीर सिंह जी का और उनके साथ उस रोज विवादित ढांचे में घुसे उन 24 निहंग सिखों का है, क्योंकि उन लोगों के इस कदम ने पहली बार विवाद को पुलिस में दर्ज करवाया। ये उन 25 निहंग सिखों की दिलेरी थी जिन्होंने ऐसे वक्त ये बहादुरी दिखाई जब न तो देश आजाद था, न हमारी कोई सरकार थी, न पुलिस पर हमारा राज था, और ये वो वक्त था जब पहली क्रांति को खत्म हुए बस एक साल ही गुजरा था। यानी उन 25 वीर सिखों ने ऐसी हिम्मत दिखाई कि उसके बाद न जाने कितने लोगों ने उनके रास्ते पर चलते हुए वो कर दिखाया जो 500 सालों से नहीं हुआ था। और आज अयोध्या में जब भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है तो फकीर सिंह जी की 8वीं पीढ़ी के वंशज जत्थेदार बाबा हरजीत सिंह रसूलपुर सामने आए हैं। इन लोगों को उस बात का फक्र है कि जो लड़ाई उनके पुरखों ने शुरू की थी आखिरकार वो किसी अंजाम तक पहुंच रही है, और इसी खुशी में ये लोग 22 जनवरी को अयोध्या में लंगर लगाने वाले हैं। वो हमारे जो बुजुर्ग थे जथेदार बाबा फकीर सिंह जी खालसा निहंग सिंह रसूल पर, मैं उनकी जो विरासत में उनकी पीढ़ी में 8वीं पीढ़ी में उनकी गद्दी पे हूँ, सो उसकी खुशी में हम वहाँ पे अयोध्या में लंगर लगाने जा रहे हैं। दोस्तों कमाल की बात है, आज एक तरफ खालिस्तानी आतंकी लोमड़ी की शक्ल वाला गुरपतवन सिंह पन्नू, ऐसे लोग सिखों और हिंदुओं के बीच दरार डालने की कोशिश कर रहे हैं, धर्म के नाम पर पंजाब को भारत से तोड़ने की बात कर रहे हैं, सिखों और हिंदुओं के सदियों पुराने रिश्ते पर मिट्टी डालने की साजिश रच रहे हैं। वहीं हरजीत सिंह जैसे लाखों सिख सिखी और प्रभु राम के बीच रिश्ते की उस पवित्रता को समझ रहे हैं। बाबा फकीर सिंह खालसा जी और उनके साथियों ने आज से 165 साल पहले जो किया उसके लिए हम उन्हें और उनके साथ गए बाकी निहंग सिख भाइयों को नमन करते हैं। प्रभु श्री राम के हम सब भक्त हमेशा हमेशा के लिए अपने उन सिख भाइयों के ऋणी रहे, मगर इसके साथ ही हमारे लिए ये जानना भी जरूरी हो जाता है कि ऐसे हर उस शख्स के बारे में हम बात करें जिनकी हिम्मत हौसले और विद्वता के चलते आज अयोध्या में भव्य श्री राम जी का मंदिर का निर्माण हो पा रहा है। यूं तो ऐसे हजारों लोग हैं, मगर कोशिश करेंगे कि आज उन लोगों की खासतौर पर चर्चा की जाए जिनके बारे में या तो हम कम जानते हैं या उतना नहीं जानते। ऐसे ही एक दिव्य पुरुष है जगतगुरु रामभद्राचार्य जी। अगर दोस्तों मैं ये कहूं कि जगतगुरु रामभद्राचार्य जी मौजूदा भारत के सबसे विद्वान शख्स हैं तो शायद ये गलत नहीं होगा। अगर मैं ये कहूं कि वो इकलौते ऐसे शख्स हैं जिनकी एक गवाही से पूरे के पूरे अयोध्या विवाद की गुत्थी सुलझ गई तो भी गलत नहीं होगा। अगर मैं ये भी कह दूं कि अयोध्या को लेकर 150 साल से ज़्यादा वक्त से चला रहा कानूनी विवाद सिर्फ उनकी वजह से सुलझ पाया तो ये भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। यकीन मानिए दोस्तों, जब मैं आपको उनकी कहानी बताऊंगा तो आपके पूरे बदन में सिरहन दौड़ जाएगी, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इससे पहले मैं इतिहास के उन पन्नों को पलटूं और उस पर अपनी राय अपनी ओपिनियन दूं, आप भी अगर अपनी ओपिनियन और अपनी राय देकर कुछ पैसे जीतना चाहते हैं तो प्रोबो ऐप डाउनलोड करें, डिस्क्रिप्शन में उस ऐप का लिंक दिया है। कई सारी कैटेगरीज हैं, उसमें कई सारे सवाल हैं, सिर्फ यस या नो यानी हाँ या ना में आपको अपनी ओपिनियन देनी है। एक सवाल आपको क्रिकेट का भी मिल जाएगा, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट शुरू हो रहा है 25 तारीख से, क्या लगता है भारत जीतेगा यस या नो? एंटरटेनमेंट कैटेगरीज के भी कई सारे सवाल हैं, बस आप ऐप डाउनलोड करो, यस या नो में अपनी ओपिनियन दो और ढेर सारे पैसे जीतने का मौका पाओ। वीडियो में आ गया दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं जगतगुरु रामभद्राचार्य जी और राम मंदिर निर्माण में उनके अमूल्य योगदान की। आपको बता दूं जगतगुरु जी का जन्म 15 जनवरी 1950 को हुआ। पैदा होने के 2 महीने बाद ही उनकी आंखों की रोशनी चली गई। वो न लिख सकते हैं, न पढ़ सकते हैं और न ही ब्रेल लिपि का उपयोग करते हैं। वो केवल सुनकर चीजें याद रखते हैं, मगर इसके बावजूद उन्होंने 22 भाषाओं में महारत हासिल की। वो इस समय भारत में तुलसीदास जी पर सबसे बड़े विशेषज्ञ माने जाते हैं। अब सुनिए, सुप्रीम कोर्ट में जब अयोध्या विवाद पर बहस चल रही थी और दूसरा पक्ष ये साबित करने में लगा था कि भगवान श्री राम का तो कोई वजूद था ही नहीं, उनकी पूजा तो सिर्फ 300 साल पहले शुरू हुई है और भगवान श्री राम का अयोध्या से कोई नाता था भी या नहीं ये भी तय नहीं है, ऐसे में जगत गुरु जी की एक गवाही ने केस का पूरा रुख मोड़ दिया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में वेद पुराण के साथ रामलला के पक्ष में गवाही दी। उन्होंने ऋग्वेद की जैमिनीय संहिता से उदाहरण देकर यह बताया कि सरयू नदी से भगवान राम के जन्मस्थल की दिशा और दूरी क्या थी। इसके बाद कोर्ट के आदेश के बाद जैमिनीय संहिता मंगवाई गई, जिसमें जगत गुरु राम भद्राचार्य जी द्वारा बताए गए अध्यायों को खोल कर जब देखा गया तो उनका दिया ब्यौरा एकदम सही था। यहां तक कि जहां जन्मभूमि बताई गई है वहीं पर विवादित
ढांचा मिला। जगत गुरु की इस एक गवाही ने पूरे फैसले का रुख मोड़ दिया। यहां तक कि एक जज ने तो ये तक कह दिया, उन्हें कहना पड़ा कि आज मैंने भारतीय प्रज्ञा का चमत्कार देखा है। जो आदमी आंखों से देख नहीं सकता वो वेदों और शास्त्रों के विशाल वाक्यांश से एग्जाम्पल पेश कर रहा है, ये वाकई कमाल है। दोस्तों आप ही बताइए, इससे ज्यादा अनुपम और दिव्य अनुभूति कोई हो सकती है क्या? एक ऐसा शख्स जो अपने जन्म के साथ ही अपनी आंखों की रोशनी खो देता है, जो न पढ़ सकता है न लिख सकता है, वो हजारों सालों पहले लिखे वेद पुराणों के ब्यौरों का इतनी सटीकता से वर्णन करता है कि देश की सबसे बड़ी अदालत को भी उसकी गवाही के सामने नतमस्तक होना पड़ता है। उनकी एक इस गवाही ने विरोधी पक्ष के उस झूठ की बखिया उधेड़ दी जो ये साबित करने पर तुले थे कि भगवान श्री राम का कोई वजूद है ही नहीं और उनकी पूजा तो बस कुछ ही सौ साल पहले शुरू हुई। आपको बता दें, जगत गुरु जी वर्तमान में चित्रकूट में रहते हैं। उनका वास्तविक नाम गिरधर मिश्रा है। वो रामानंद संप्रदाय के चार जगत गुरु रामानंदचार्यों में से एक है। आज अगर दुनिया भर में फैले 100 करोड़ हिंदुओं को भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का सुख मिल रहा है तो इसमें जगत गुरु जी का बहुत बड़ा रोल है और उनके इस भूमिका के लिए हम सब की तरफ से हम उन्हें कोटि कोटि धन्यवाद और नमन करते हैं। जेल गए, 8 दिन सतना जेल में रहे, पुलिस के डंडे खाए और डंडे खाने पर ये मेरी कलाई टेढ़ी हो गई है। मैंने मेरी शारीरिक क्षमता को भी पुलिस ने नहीं बख्शा पर मैंने प्रसाद मान लिया। दोस्तों, तमाम संतों और सिद्ध पुरुषों के बीच हम उन आम लोगों का योगदान भी नहीं भूल सकते जिन्होंने इस लड़ाई में अपने प्राण न्यौछावर करने से पहले एक पल के लिए भी नहीं सोचा। इन्हीं लोगों में जो नाम सबसे प्रमुखता से लिया जाता है वो कोठारी बंधुओं का नाम है। कोठारी बंधुओं के दोस्त राजेश अग्रवाल जी अपनी किताब में लिखते हैं, बताते हैं कि 22 अक्टूबर की रात शरद कोठारी और उनके भाई राम कुमार कोठारी कोलकाता से बनारस आए थे। उस वक्त सरकार ने लोगों को अयोध्या जाने से रोकने के लिए ट्रेनें और बसें बंद कर रखी थी। इसके बाद दोनों भाई टैक्सी पकड़कर आजमगढ़ के पास फूलपुर तक आए। वहां से आगे सड़क जब उन्हें बंद मिली तो वे लोग 200 किलोमीटर पैदल ही निकल पड़े। 30 अक्टूबर को कार सेवकों की भीड़ ने जब विवादित ढांचे पर धावा बोला तो ढांचे की छत पर जाकर झंडा फहराने वाले ये दोनों भाई ही थे। 30 अक्टूबर को गुंबद पर झंडा फहराने के बाद शरद और रामकुमार 2 नवंबर को विनय कटियार जी के नेतृत्व में दिगंबर अखाड़े की तरफ से हनुमानगढ़ी की तरफ चल दिए। जब पुलिस ने गोली चलाई तो दोनों पीछे हटकर लाल कोठी वाली गली के घर में छिप गए। थोड़ी देर बाद दोनों बाहर निकले तो पुलिस ने उन पर फिर से गोली चला दी और उन्होंने वहीं दम तोड़ दिया। जिस वक्त शरद और रामकुमार की मौत हुई 10 दिन बाद ही उनकी बहन की शादी थी। बाद के सालों में उनके माता पिता भी इस दुनिया में नहीं रहे मगर आज उनकी बहन को अपने भाइयों पर गर्व है और वो इस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रही है कि वो दिन आए जब वो रामलला के इस भव्य मंदिर में उनका दर्शन करें। पाजेब वगैरह पहन के रखते हैं ना, मैंने पायल खोल दी अपने माँ से कि वो छन छन कर रही थी, नहीं अच्छी लग रही थी। पाजेब खुली और पिताजी को ढूंढा, मैंने बोले पिताजी कहाँ हैं, पिताजी को खोजा ऊपर नीचे तो पिताजी मिले। मैंने बोला पिताजी को कि मुझे अयोध्या जाना है, भैया और के पास जाना है। दोस्तों, विवादित ढांचा गिराना सही था या नहीं, उसे गिराने की नौबत क्यों आई, हम इस बहस में नहीं उलझना चाहते। लेकिन ये भी सच है कि अगर बाद के सालों में ASI का सर्वे हुआ, उस सर्वे में मस्जिद के नीचे मंदिर होने की बात सामने आई, बाद में उन्हीं सबूतों के आधार पर अदालत ने वहां मंदिर निर्माण को हरी झंडी दी थी, अगर ये सब कुछ संभव हुआ तो इसमें कोठारी बंधुओं जैसे हजारों कारसेवकों का भी योगदान है, उनका रक्त है। आज इस मौके पर देश उन दोनों भाइयों का ऋणी है और हमेशा रहेगा। दोस्तों, अगस्त 2020 में जब अयोध्या में राम जन्मभूमि का भूमि पूजन हुआ तो पूरे देश से खुशी और उत्साह की तस्वीरें सामने आ रही थी, मगर एक तस्वीर जिसने पूरे देश का दिल जीत लिया, एक तस्वीर जिसमें मौजूद शख्स की तुलना लोग प्रभु श्री राम के सेवक और भक्त हनुमान जी से करने लगे, वो तस्वीर थी 95 साल के पराशरन जी की। जी हाँ, के पराशरन जी वो शख्स थे जिन्होंने अदालत में हिंदू पक्ष की तरफ से केस लड़ा। देखिए, इसमें किसी को डाउट नहीं है कि के पराशरन जी मौजूदा भारत के सबसे सम्मानित जीवित शख्स हैं। के पराशरन जी भारतीय शास्त्रों के महान ज्ञाता है। वो 2 बार भारत के अटॉर्नी जनरल रह चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट में जब वो रामलला का केस लड़ रहे थे उस वक्त उनकी उम्र 92 साल थी और उन्होंने तब जजों से कहा था कि मैं अपने जीते जी इस केस का निपटारा चाहता हूँ। उनकी विद्वता, उनके ज्ञान, उनकी तर्कशक्ति और शास्त्रों को लेकर उनकी जो अद्भुत जानकारी थी, विपक्षी पक्ष की एक एक दलील को उसने खारिज कर दिया। यह पराशर जी का ही देन है, इतनी ऐसे सूक्ष्म विचारों से और ऐसे प्रमाणों को कोर्ट के सामने प्रस्तुत किए कि कोर्ट को मजबूरन रामलला के पक्ष में और ये आदेश देना पड़ा। कानून के जानकार ये मानते हैं कि अगर अदालत में हिंदू पक्ष की तरफ से ये लड़ाई जीती गई तो उसमें बहुत बड़ा रोल के पराशर जी का भी है।
के पराशर जी शायद देश के इकलौते शख्स होंगे जो इंदिरा गांधी जी से लेकर मौजूदा सरकार तक सबके प्रिय रहे हैं, मगर उन्होंने हमेशा अपनी शर्तों पर काम किया। अगस्त 2020 को जब अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन हो रहा था तो टीवी पर इन तस्वीरों को देखकर पराशरण जी अपने आंसू नहीं रोक पाए। उस वक्त उनकी वो तस्वीरें देशभर में खूब वायरल हुई। राम मंदिर की इस लड़ाई में उनके योगदान को देखते हुए जब सरकार द्वारा राम मंदिर ट्रस्ट का गठन किया गया तो पराशरण जी को इसमें पहला ट्रस्टी बनाया गया। हम सब के लिए खुशी और गर्व की बात है कि इन सालों में मंदिर की लड़ाई से जुड़े बहुत सारे लोग उम्र और बाकी कारणों की वजह से हमारे बीच नहीं हैं, मगर के पराशरण जी 95 साल की उम्र में इस लम्हे का गवाह बनने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं और ये पूरा देश हमेशा उनका आभारी रहेगा। दोस्तों एक और शख्स जिन्हें मंदिर आंदोलन का मुख्य आर्किटेक्ट माना जाता है वो है विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष रहे दिवंगत अशोक सिंघल जी। अशोक सिंघल जी वो शख्स थे जिन्होंने सबसे पहले 1984 में श्री राम जानकी रथ यात्रा की शुरुआत की। वे अशोक सिंघल जी ही थे जिन्होंने राम आंदोलन से महिलाओं और युवाओं को जोड़ने के लिए विश्व हिंदू परिषद से दुर्गा वाहिनी और बजरंग दल जैसे दो अलग संगठन बनाए। वो अशोक सिंघल जी ही थे जो 1989 में राम नाम की पहली ईंट सिर पर लेकर अयोध्या के लिए निकले थे। वो अशोक सिंघल जी ही थे जो भारी पुलिस बल को चकमा देकर 1990 में भेष बदलकर अयोध्या पहुंचे थे। 70 के दशक में संघ से जुड़ने के बाद विश्व हिंदू परिषद के गठन से लेकर 2015 में अपनी मृत्यु तक अशोक सिंघल जी ने अपना पूरा जीवन, अपनी पूरी लाइफ सिर्फ और सिर्फ राम मंदिर के सपने को साकार करने में लगा दिया। वो आज हमारे बीच नहीं है, मगर वो जहां कहीं भी होंगे अपने सपने के साकार होने पर बेहद खुश होंगे। राम मंदिर का निर्माण उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य था और उसके लिए उन्होंने जो संघर्ष किया उसके लिए वो हमेशा याद रखे जाएंगे। दोस्तों मंदिर निर्माण के लिए अपनी पूरी लाइफ दे देना, अपना जीवन खपाने वालों की सूची में शामिल, अगर मैं एक एक शख्स के नाम का यहाँ जिक्र करूं तो शायद ये प्रोग्राम कुछ घंटों नहीं बल्कि महीनों तक चलता जाएगा। फिर भी इस आंदोलन में अपनी रथ यात्रा के जरिए लाल कृष्ण आडवाणी जी ने जो भूमिका निभाई उससे आज का हर एक शख्स परिचित है। हम यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह साहब को भी कैसे भूल सकते हैं जिन्होंने पिछली सरकारों की तरह कार सेवकों को रोकने के लिए गोली नहीं चलाई। भले ही इसके चलते उनकी सरकार चलेगी मगर उन्होंने कार सेवकों का खून बहाने का पाप नहीं किया। उसी तरह रामायण जैसे धारावाहिक के जरिए हमारी पीढ़ी को भगवान श्री राम के चरित्र और उनकी महिमा से वाकिफ कराने का जो काम रामानंद सागर जी ने और उस सीरियल के किरदारों ने किया उसके लिए भी ये देश उनका आभारी है। 40 के दशक में फैजाबाद के जिलाधिकारी रहे के नायर साहब का नाम भी मैं यहाँ लेना चाहूँगा जिन्होंने उस वक्त के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के भारी दबाव के बावजूद विवादित ढांचे में अवतरित हुई भगवान श्री राम जी की मूर्ति को हटाने से मना कर दिया था। उन्होंने क्लियरली बोला कि ऐसा करने से लोगों की भावनाएं आहत होंगी, आप कहें तो मैं इस्तीफा दे देता हूं लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। दोस्तों क्या आप इमेजिन भी कर सकते हैं कि सिर्फ लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हुए एक जिला अधिकारी देश के प्रधानमंत्री से उलझ जाएगा। मगर नायर साहब ने उस वक्त ऐसा ही जज्बा दिखाया और वो किसी के आगे झुके नहीं। और आखिर में एक जिक्र इतिहासकार पीवी लाल साहब और के मोहम्मद साहब का भी बनता है। हमें ये मानना ही पड़ेगा कि जब भी अदालतों में किसी मामले पर कोई फैसला लिया जाता है या अदालत फैसला लेती है तो आखिर में वो सबूत ही देखती है। विवादित ढांचे की जगह पहले वहां मंदिर था, इस बात के सबूत तो बीबी लाल साहब और के मोहम्मद साहब के आर्कियोलॉजिकल रिसर्च से ही सामने आए। उन्हीं के सर्वे से ये साबित किया जा सका कि जिस जगह विवादित ढांचा था वहां कभी प्रभु श्री राम का मंदिर था। दोस्तों मैं जानता हूं इतने लोगों को शामिल करने के बावजूद अब भी बहुत से नाम छूट गए। बेशक इसमें हमारी मौजूदा केंद्र सरकार और यूपी सरकार के मुखिया का नाम भी शामिल है क्योंकि आखिरकार उन्हीं के पीएम और सीएम रहते तो इन मामलों में तेजी आई, अदालती फैसले आए और आखिरकार उन्हीं के सत्ता में रहते भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा भी हो रही है। बेशक उनको भी बराबर का श्रेय जाएगा और यहां यह भी अंडरलाइन कर दूं दोस्तों कि यह अवसर इतना बड़ा है, ये खुशी इतनी बड़ी है, ये अनुभूति इतनी दिव्य है कि हर इंसान जिसने इस सपने को साकार करने में मदद की है हमें उसे श्रेय देना ही चाहिए। इस बात की रत्ती भर परवाह मत करिए कि दूसरा खेमा क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे। भैया जो लोग खुद मंदिर का न्योता ठुकरा कर बैठे हैं वो किसके लिए क्या कहते हैं इसकी परवाह किसे है? बताइए जो लोग कभी चाहते ही नहीं थे कि ये मंदिर बने उनसे सर्टिफिकेट मांग भी कौन रहे लो। देखिए हमें लगता है ये मौका ऐतिहासिक है, ये काम ऐतिहासिक है, इसलिए हर उस आदमी को इसका क्रेडिट हम देंगे जिसने ये इतिहास रचा है या इसमें मदद करी है। उसमें हमारे संत भी हैं, कारसेवक भी हैं, नेता भी हैं और हर वो आम भारतीय भी है जिन्होंने अपनी हैसियत से बाहर जाकर चंदा दिया है। इसमें वो बुजुर्ग भी हैं जो आज घर घर जाकर लोगों को प्राण प्रतिष्ठा के न्योते के अक्षत बांट रहे हैं। इसमें वो गरीब भी शामिल हैं जिन्होंने अपनी झुग्गियों पर श्री राम लिखे झंडे लगा रखे हैं।
और इसमें वो गरीब आदिवासी महिला भी शामिल है जिसके घर जब कुछ लोग चंदा मांगने आए तो उसने अपने पड़ोसियों से 11 रुपए उधार मांगकर चंदा दिया, मगर उन्हें खाली हाथ जाने नहीं दिया। ऐसा इस देश का जज्बा है और ये है लोगों के अंदर की खुशी। बस इसी खुशी को आप महसूस करते रहिए और इसे दूसरों तक भी जरूर पहुंचाइए। बाकी वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे जरूर शेयर करिएगा, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा, फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को जरूर लाइक करिएगा। बाकी अगर आप अपनी ओपिनियन देकर पैसे पाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपके लिए मैंने प्रोबो ऐप का लिंक डाला है, उस पर क्लिक करके इस ऐप को डाउनलोड करिए, 25 रुपीज का वेलकम बोनस मिलेगा, हाँ या ना में आप अपनी ओपिनियन देकर पैसे जीत सकते हैं। चलने से पहले और एक बार तहे दिल से शुक्रिया इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। पसंद आई हो वीडियो तो प्लीज इसे जरूर शेयर करिएगा। अपना ख्याल रखिए, जल्दी मिलते हैं। जय हिंद, जय श्री राम।